Hello everyone, welcome back to our new video from the chapter The Age of Industrialization. Here we are again with our new topic, that is from the chapter Age of Industrialization, that is the condition of the weavers. बेटा जो weavers थे बेटा उनके साथ what happened to the weavers का हमने first part इससे last वाले video में कर लिया था. इस video में जो हम करने वाले हैं बेटा वो हम करने वाले हैं कि उसका second part में क्या हुआ था. इससे last वाली class को अगर आपने नहीं देखा तो please उस class को जरूर देखिए ताकि आप इन दोनों के साथ connection को connect कर पाए और आप देख पाए बेटा कि जो वीवर्स थे बेटा उनकी कंडीशंस पर क्या क्या हुआ था, उनके साथ साथ क्या क्या हुआ था. तो हमारा आता है बेटा व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, दैट इज पार्ट नंबर टू जो इस कंडीशन से रिलेटेड है. अब वीवर्स के बारे में क्या था बेटा कि जो वीवर्स होते थे उनको बेटा उनके साथ भी थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि उनके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई थी. कि स्टार्टिंग में तो उन्हें पैसे क्या थे एडवांस के रूप में मिलते थे, लेकिन एडवांस के रूप में मिलने के बाद उस टाइम पे एडवांस में इसलिए मिलता था बेटा पैसा क्योंकि ब्रिटेन उनके ऊपर अपनी मोनोपोली को रखना चाहती थी. उस मोनोपोली को रखने का मतलब ये था कि ताकि दूसरा कोई उसको क्या ना कर पाए बेटा, उसको क्या ना कर पाए, उसको मींस उसके ऊपर कोई दूसरा उसको टेस्ट ना कर पाए. इस तरीके से वो क्या रखते थे बेटा उनके ऊपर मोनोपोली पावर चाहते थे. तो पैसे भी एडवांस में दे दिए जाते थे ताकि सारा का सारा जो माल होता था हमारा, जो फाइन क्वालिटी का जो कॉटन था या सिल्क था, वो क्या हो उसके बेटा एक्सपोर्ट हो. उसके ये किसके अंदर होता था बेटा, ये सारा का सारा हमारा उसी के अंदर हो पाता था कि जब उनको पैसे एडवांस में मिलेगा और सारा कंट्रोल कौन करेगा बेटा, ब्रिटेन करेगा. तो ये सारी की सारी बातें होती थी बेटा. तो उसके बाद क्या हुआ अब आगे देखते हैं. सून हाउएवर इन मेनी वीविंग विलेजेस देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर एंड गोमस्थाज. अब देखो गोमस्थाज कौन थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. जो गोमस्थाज थे उनको अपॉइंट किसने किया था, ब्रिटेन की कंपनी ने किया था. कंपनीज द्वारा उनको ब्रिटेन ने क्या किया था, जो रेगुलेट करते थे, देखते थे, पेमेंट भी करते थे और सारी की सारी डिलीवरीज वगैरह को भी आपकी वीवर से लेते थे बेटा. तो कुछ वीविंग विलेजेस में क्या हुआ, रिपोर्ट्स क्लैश बेटा किस किस के बीच में, बीवर्स और गोमस्ताज के बीच में. और गोमस्ताज को जो भी अपॉइंट करने वाले कौन थी बेटा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था बेटा उसको मतलब अपॉइंट किया था. अर्लियर सप्लाई मर्चेंट हैड वेरी ऑफ्टन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेज, जो आपके वीविंग विलेज में रहते थे एंड हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स, के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता था, लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स एंड हेल्पिंग देम इन टाइम ऑफ क्राइसिस बेटा. तो देखो कैसा चल रहा था कि जो अर्लियर सप्लाई होती थी मर्चेंट्स की बेटा, वेरी ऑफ्टन लिव्ड विद इन द वीविंग के विलेज में उनके साथ रहना और एक क्लोज रिलेशनशिप उनके साथ रखना विद द वीवर्स के साथ और लुकिंग आफ्टर देयर नीड, उनके देखना बेटा उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी ताकि उनके रिलेशन क्या हो सके, अच्छे हो सके और जब टाइम आए तो बेटा वो क्या कर सके बेटा, उनको सप्लाई दे सके बेटा, हेल्पिंग देंगे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस होगा. तो जब सप्लाई का टाइम आएगा तो उनको उनकी सप्लाई मिल सके. तो इसलिए जो सप्लाई के मर्चेंट होते थे बेटा वो विलेजेज में ही पाए जाते थे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना किस तरीके से सारी की सारी यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इनकी जो डिमांड जो थी ना बेटा वीवर की, वो बहुत ही ज्यादा थी और उस डिमांड के ज्यादा होने के कारण जो सप्लाई के मर्चेंट थे वो वहीं पे रहते थे और वो उन्हीं के पास रहके उनके टाइम ऑफ क्राइसिस का वेट करते थे कि जब कब टाइम ऑफ क्राइसिस आएगा, उन टाइम ऑफ क्राइसिस में हम क्या करेंगे बेटा, उन सारे के सारे व्यूवर्स क्या होंगे वहां पे, उन सारे के सारे व्यूवर्स के द्वारा क्या होगा, उनको उनके टाइम पे सप्लाई दे दी जाएगी. द न्यू गोमस्ताज वर आउटसाइडर, जो नए गोमस्ताज थे बेटा. देखो गोमस्ताज के बारे में मैंने बार बार आपको बता दिया बेटा, गोमस्ताज को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था बेटा, इसको अपॉइंट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट इनका अपॉइंट करती थी और इनको बेटा नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज बेटा, लॉन्ग टर्म का कोई सोशल लिंक नहीं होता था भाई. उनको उनकी सप्लाई मिली बात खत्म, उसके बाद उनको उनसे कोई भी मतलब नहीं होता था कि भाई गोमस्ताज का कोई लॉन्ग टर्म की कोई सोशल रिलेशनशिप है बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं था. वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता था, वो उनकी सप्लाई के लिए होता था. दे एक्टेड एरोगेंटली मार्च इन टू विलेजेस विद सिपोइज एंड पियंस बेटा, वो एक्टेड एरोगेंटली. एरोगेंट का अगर हम मीनिंग देखें बेटा इंग्लिश में तो इसका मीनिंग होता है बेटा घमंड. मार्च इन टू विलेजेस में मार्च करते थे विद सिपोई सैनिकों के साथ, पियंस के साथ एंड पनिश्ड व्यूवर्स फॉर डिलेइंग सप्लाई. और बेटा जो व्यूवर्स होते थे उनको पनिश्ड करते थे अगर कोई भी सप्लाई में डिले हो जाता था, ऑफ्टन बीटिंग और फ्लोजिंग, उनको फ्लोजिंग करना, पड़ताड़ना करना उनके साथ और उनको बीटिंग करना, ये भी एक्ट ये थे बेटा जो
उपमस्थांश के द्वारा किए जाते थे, क्योंकि उनको जो सारी अथॉरिटीज वगैरह थी बेटा, वो अथॉरिटीज वगैरह किसके द्वारा दी जाती थी बेटा, उनको जो अथॉरिटी दी जाती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी, वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनको क्या दी जाती थी, अथॉरिटी दी जाती थी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो वीवर्स वगैरह थे बेटा, उनके पास क्या थी, अथॉरिटी थी, और अथॉरिटी को देने वाला और कोई नहीं था बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी बेटा जो उनको क्या देती थी, अथॉरिटीज प्रदान करती थी। द वीवर लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेस। तो वीवर्स से बेटा उन्होंने स्पेस को लॉस्ट कर दिया, जो बार्गेन का प्राइसेस था, क्योंकि अभी अब ये क्या हो गया था बेटा, यहाँ पे मोनोपोली वाला सिस्टम चल गया था बेटा, क्योंकि गोमस्ता जब उनके ऊपर कंट्रोल करने लगे थे, अब जो पहले जो दूसरे उनके पास मोनोपोली नहीं थी, तो पहले तो बार्गेनिंग हो जाती थी क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते थे और डिमांड उनकी ज्यादा होती थी, लेकिन सप्लाई क्या होती थी, कम होती थी। अब जब जैसे ही मोनोपोली आए, तो जैसे ही मोनोपोली जाएगा, अब आप खुद सोचिए, अगर गवर्नमेंट आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी, फिर आप बार्गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर जहां पे मोनोपोली एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे बार्गेनिंग का कोई भी काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात देखें, अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज के बारे में, तो क्या आप टिकट के लिए कभी बार्गेनिंग करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, और अगर वो मोनोपोली नहीं होगी, वो अगर मोनोपोली आपकी नहीं होगी, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अल्टरनेटिव मौजूद होता है। लेकिन जहां पे मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, वहां पे बेटा बार्गेनिंग आपकी नहीं होती है, और बार्गेनिंग आपकी नहीं होती है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो व्यूवर्स थे बेटा, उन्होंने अपना स्पेस को लॉस्ट कर दिया था जो बार्गेनिंग का था, एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स को। अब जो गोमस्ताज थे, वही सारी चीजों को कंट्रोल करते थे, और उनके द्वारा ही सारी चीजों को किया जाता था। द व्यूवर लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेज एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स। ये भी द प्राइसेज दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वाज मिजरेबली लो। अब जो कंपनी ने मोनोपोली पावर को ले लिया था, उनके द्वारा जो अब जो मोनोपोली ले लिया था बेटा, उस मोनोपोली के बाद अब जो पैसे दिए जाते थे किसके द्वारा, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वो पैसे क्या दिए जाते थे, बहुत ही कम दिए जाते थे। एंड द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। और लोन जो वो एक्सेप्ट करते थे एडवांस के रूप में बेटा, इस प्रकार वो कंपनी के साथ क्या टाइड हो जाते थे, और वो एक पॉवर्टी के साइकिल में फंस जाते थे। और ये पॉवर्टी का साइकिल क्या होता था, पहले तो जब नीड होती तो उन्होंने क्या ले लिया बेटा, पैसा ले लिया, अब उसके अंदर वो क्या हो जाते थे बेटा, दस के रह जाते थे। और उसके बाद क्या होता था उनको, अब जैसे ही उनको सप्लाई होती थी तो उनका लोन कवर हो जाता था, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए उनको दोबारा क्या करना पड़ता था बेटा, दोबारा फिर उनको क्या करना पड़ता था, उनको पैसे लेने पड़ते थे दोबारा फिर, किस चीज के लिए बेटा, जो चीज उन्होंने क्या की थी, कंप्लीट की थी, उस चीज को कंप्लीट करने के बाद वो सप्लाई कर देते थे, और सप्लाई करने के बाद उनको दोबारा से क्या लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। इन मैनी प्लेसेस इन बंगाल प्रॉपर, अवध, ओडिशा, या आपने बंगाल के बारे में बात की है बेटा, कर्नाटक के बारे में बात की है, वीवर्स डेजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेटेड। बेटा वीवर्स ने डेजर्टेड किया विलेजेस को किया, और माइग्रेटेड किया बेटा, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस, दूसरे विलेजेस में क्या किया, लूम्स को सेटअप किया, रिवोल्ट अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स के खिलाफ क्या किया बेटा, रिवोल्ट किया, बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स को रिफ्यूज कर दिया बेटा, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप, अपनी वर्कशॉप को क्या कर दिया, क्लोजिंग डाउन कर दिया, एंड टेकिंग टू द एग्रीकल्चर लेबर, बट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर फेस ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। बेटा अब देखो, मैनी प्लेसेस बंगाल में क्या हुआ, वीवर्स ने वेज को डेजर्टेड कर दिया, इसका मतलब वहां से चले गए, माइग्रेटेड करना स्टार्ट कर दिया, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस, अब दूसरे लूम्स में क्या कर लिया बेटा, उन्होंने विलेजेस को सेटअप कर दिया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स को, बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स को रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर, और कहां करना स्टार्ट कर दिया बेटा, एग्रीकल्चर के लेबर में जाना स्टार्ट कर दिया। बट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी में बात करें, कॉटन वीवर फेसेज ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आई बेटा। अब वो न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी बेटा, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया का जब टॉपिक आएगा, उसमें हम सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे। अब पीछे जो हमने देखा बेटा, हमने वीवर्स की प्रॉब्लम्स को देखा, तो प्लेस ऑफ बंगाल और कर्नाटक में ये सारे के सारे क्या बेटा, इनके प्रॉब्लम्स थे बेटा, जहां पे विलेजेस को डेजर्ट वगैरह कर दिया गया था। उससे पहले हमने देखा था कि अब सारे के सारे मोनोपोली पावर आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो क्या करता था, लो करता था, लोन्स को एक्सेप्टेड करते थे, वीवर्स लो द स्पेस टू बार्गेन कर दिया था बेटा, स्पेस को लॉस्ट कर दिया था, अब वहां पे बार्गेनिंग नहीं होती थी, जो कि कंडीशन पहले पार्ट में हमने पढ़ी थी। अब ये जो सारे के
सारे थे बेटा, ये किसके द्वारा? गोमस्ताज के द्वारा आउटसाइडर उनको कंट्रोल करते थे, जिनका सोशल लिंक कोई भी विलेज के साथ नहीं होता था, और वो एरोगेंटली मार्च करते थे विलेज में सुपर पियंस के साथ, और पुनिश करते थे व्यूवर्स को सप्लाई जब डिले हो जाती थी उसमें, और न्यू गोमस्ताज और आउटसाइडर्स। और आपके अर्ली सप्लाई मर्चेंट्स में आप देखेंगे ऑफ्टन लिव्ड विद इन द व्यूइंग विलेज में रहता था, क्लोज रिलेशनशिप होती थी व्यूवर्स के साथ, लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स एंड हेल्पिंग देम्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस में, वो क्या करते थे बेटा, हेल्प करते थे। हाउएवर इन मेनी व्यूइंग विलेज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन व्यूवर्स एंड गोमस्ताज के बीच में सारे के सारे ये क्लैश होते थे बेटा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट जो आपका रिलेटेड था व्हाट हैपेंड टू द व्यूवर्स के साथ बेटा। तो ये था आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपका सेकंड पार्ट, व्हाट हैपेंड टू व्यूवर्स वाला पार्ट था बेटा। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन दैट इज मैनचेस्टर केम्स टू इंडिया, वो हम आपकी अगले वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं।